yesterday when we reached, it was a little bit foggy. Right now it's completely bright sunny, and let me show you the campsite completely. And that peak which we saw yesterday around the sunset as well, that is Trishul. It's really pleasant and beautiful here. Now we are about to have the breakfast. So yeah, after the breakfast we'll continue. ब्रेकफास्ट हो गया है, पूरा कैंप साइट हमने पैक करके क्लीन भी हो गया है साथ में. नाउ आज का ट्रेल भी कल की तरह ही रहेगा. अभी तक हमने ट्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, तो आज ट्री लाइन थोड़ा क्रॉस करके हम ऊपर एक टेबल लैंड काइंड ऑफ मीडोज रहेगा जहाँ पे पहुँचेंगे, और वही रहेगा बेरी मेमोरियल. कवर कर लिया और 2 किलोमीटर बाकी है, देन वी विल रीच समवेयर एट ऑफ दी बेदनी बुग्याल ओवर देयर समवेयर मोर फर्दर, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी मोर 6 किलोमीटर्स टू पातल नटानिया. दैट्स वेयर वी गोना स्टे टुडे आवर कैंप. सो आई फील इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग व्यू वंस वी रीच एट ऑफ दिस Bedni Bugyal. Let's go quick before any more clouds come and enjoy the view. Such an amazing environment it is. Behind me you can see all the clouds are coming, and this is from here you can see the Trishul, Mount Trishul, which is the highest in this region, and we are heading towards Bedni Bugyal. So guys, be ready. We are coming up with exciting bunch of treks in Uttarakhand. Are you ready to join us? अभी हम पहुंच गए कार्तिक जी के मंदिर के यहाँ पे, और डोलियाधार इस जगह का नाम है, और इसका नाम है डोलियाधार. यू कैन सी गाइस, वी हैव कम फ्रॉम समवेयर हियर, एंड यहाँ पे ये ट्री लाइन ख़त्म होते जा रही है, और हम जाएंगे ऊपर बाद में, स्नो लाइन उसके बाद स्टार्ट होगी. मंदिर भी है, जैसे कि अभी ये पहले दिख रहा है, ये है लाटू देवता जी का मंदिर है, ये यहाँ की ग्राम देवता है. तो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वाण गांव, तो ये देवाल इज अ कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ 42 विलेजेस, तो वाण उसी को बिलोंग करता है, तो इन सभी गांवों की ये ग्राम देवता है. और इसके बाद अगर आप देखते तो ये देवी भगवती का मंदिर है, और यहाँ से जैसे आगे जाएंगे ये रहा बेदनी कुंड. Thank you.
वहाँ से इफ यू कैन सी इन द फ्रेम, वहाँ पे तंबू भी दिख रहा है, हमारे कुंड भी दिख रहा है और हम पहुँच गए ये अनवाल रोडिया। तो इसके पीछे एक मज़ेदार किस्सा है। करीबन करीबन कितने 40-50 साल पहले अनवाल, मतलब यहाँ की लैंग्वेज में एक शेपर्ड होता है जो बकरी चलाता है, तो वो अनवाल यहीं पे बैठा था, यही कहीं पे, और उसकी बकरियाँ सब यहाँ पे चारा चल रही थी। तो इस एरिया में हवा इतनी ज़ोरदार आती है, तो उस हवा की वजह से कहा जाता है स्टोरी में कि वो नीचे उड़ गया, तो उड़ गया, तो इसलिए वो स्टोरी इसी नाम से, इसके लिए ये कंप्लीट पैच को यहाँ से लेकर ये वाले अनवाल रोडिया कहते हैं। रोडिया मतलब खिसकना इसी लैंग्वेज में। इसको ऐसे पत्थर रखे खड़े, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो पूरे रास्ते में ऐसे बहुत बार दिखे। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़, जब अगर बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो तो बारिश की वजह से ये जो ट्रेल है ये ख़राब ना हो जाए या फिर बह ना जाए आधा अधूरा, इसलिए ये बनाए हैं ताकि जो भी पानी यहाँ पे स्टोर होगा वो नीचे बह जाएगा। And that's a good thing. यहाँ पे आज सोएंगे। पहुँच गए पातल लछौनी। सो सिंस आई वाज फीलिंग कोल्ड, मैंने थर्मल पहन लिया कवरिंग माय इयर्स आल्सो, और अब इस छोटे से किचन में खाना बनेंगे। कैसी बनी खिचड़ी रेवंत? वेरी टेस्टी। थैंक यू रेवंत।